YouTube दर्शकों को जय श्रीनिवासन गुरु जी का नमस्कार। आप सबको काल निर्णय कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय सिद्धि विनायक, जय शरभेश्वर, जय वेंकटेश्वर, जय अगस्त्य महर्षि, जय महावतार बाबा, जय योगी नारायण, जय श्री राम, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलो आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए अगस्त महीना कैसे रहते हैं राशिफल। सो आप सब लोग जय श्रीनिवासन टीवी यूट्यूब चैनल हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी वीडियो को अपनी तरफ से एक कमेंट जोड़ दीजिएगा करके बोलते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कैसे है राशिफल देखते हैं। पहले चार राशि कुंडली को देख लेते हैं। 1st अगस्त 2022, 10th अगस्त 2022, 19th अगस्त 2022, 28th अगस्त 2022। ये चार राशि कुंडलियों को देखते हैं तो कर्क राशि को योग देने वाले तीन ग्रह होते हैं। हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, उसके लिए तो हम कुंडली दिखा के बात कर रहे हैं। सो कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। चंद्र तो धनस्थान में संचार हो रहा है, एक दिन रहता है, दो दिन रहता है, इसका बात अलग है, बट धनस्थान में है। धनस्थान में कर्क राशि का अधिपति चंद्र ग्रह संचार रहता है, उसके लिए तो धनागमन होगा। इसके साथ साथ धनस्थानाधिपति का अधिपति है सूर्य, वो तो कर्क राशि में संचार कर रहा है, परिवर्तन योग हो गया। सो सूर्य का घर में चंद्र, चंद्र का घर में सूर्य, विपरीत राजयोग हो गया। इसके साथ साथ मंगल ग्रह, मंगल तो पूर्व पुण्याधिपति है, त्रिकोणाधिपति है, वो भी 10th प्लेस में, कर्मस्थान में, केंद्र स्थानाधिपति भी वही है, त्रिकोणाधिपति भी वही है। सो वो 10th प्लेस में राहु के साथ है करके डरने का जरूरत नहीं है, अपना स्वस्थान में है। इसके साथ साथ गुरु भगवान मीन राशि का स्वामी है गुरु, वो 9th प्लेस में, 9th लॉर्ड इन 9th प्लेस, ओन हाउस, बहुत अच्छा हो गया। इसके साथ साथ बुध ग्रह योग देने वाला नहीं है, फिर भी धनस्थान में है कर्क राशि को, चंद्र के साथ है राशि अधिपति के साथ, प्रयत्न स्थानाधिपति धनस्थान में है, अच्छा है। और थोड़ी दिन के बाद महीने का अंतिम है, ऑलमोस्ट बुध ग्रह भी कन्या राशि आ जाएगा, स्वंत स्वस्थान पे उच्च ग्रह बन के। इसके साथ साथ 4th एंड 11th लॉर्ड शुक्र ग्रह को बोलते हैं, वो तो अभी 12th प्लेस में है, फिर भी 12th हाउस में, फिर भी महीने का मध्य में, मंथ ऑफ द मिडल ऑफ द मंथ कर्क राशि में आ जाएगा, वो भी अच्छा है। सो ये सब को देखते हैं तो 100 out of 100 आराम से कर्क राशि वालों के लिए भाग्योदय का समय है। उसके लिए तो मैं कैटेगराइज करके नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई करने वाले, सिनेमा में काम करने वाले, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, अब्रॉड जाने वाले, अब्रॉड में मैं पैसा कमा लिया, मैं अभी अपना स्वग्रोथ, मैं अपना मदर प्लेस आता हूँ, नेटिव पहुँचता हूँ, हो सकता है इधर आके बिजनेस कर सकते हैं, इधर बहुत बार मैं बाहर जाना, उधर कुछ पैसा कमाने वाला है, ऐसे उनको अच्छा हो जाएगा, जो अब्रॉड में रह रहे हैं उनका तरक्की हो जाएगा, ऐसा कैटेगरी नहीं है। सब कैटेगरी पीपल को बहुत बहुत अच्छा होने का है, मैं 2-4 कैटेगरी पीपल को बोला है बस। सो ऑलमोस्ट ये सभी प्रॉब्लम, सभी जो प्रॉब्लम्स करके पिछले जो प्रॉब्लम रहते हैं, ओल्ड प्रॉब्लम, पुराना प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हेल्थ रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम रहता है तो रनिंग नोस, आंख में पानी आना, नहीं तो ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन, सांस लेने के लिए मुश्किल होना, आस्थमा, एलर्जी, ब्रैंकाइटिस, इंटेस्टाइन, डाइजेशन, इनका ये सभी अगर आपका सिम्टम्स है तो उसका केयर ले लेना, थोड़ा मेडिकल चेकअप कर लेना, वो नहीं तो चिंता करने का जरूरत नहीं। तो सभी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक ही है, माँ का आशीर्वाद चाहिए आपको, उसके लिए तो माँ दुर्गा का टेंपल जाके, माँ दुर्गा का मंदिर जाके जितना हो सकता है दूध से, दही से, घी से अभिषेक करो, जितना हो सकता है दूध दही घी को, हॉस्टल जाके, जो महिलाएं रहते हैं हॉस्टल जाके, अनाथालय जाके देके आओ। इसके साथ जितना गो, कहीं भी आपको गो दिखा तो गो को एक केला खिला देना बस, हो सकता है तो वेबसाइट में जाओ, गूगल में सर्च करो, जितना अच्छे अच्छे आदमी गौ को पालते रहते हैं गौशाला में, हो सकता है कि एक सब्सक्रिप्शन कर देना। ये सभी करने से, ये सब करने से कर्क राशि वालों का भला ही हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा करके बोलते। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार,
लोका समस्ता सुखनो भवन्तु सर्वे जना सुखनो भवन्तु वसुधैव कुटुंबकम्।